सकती है, लेकिन भजन के जो प्रगति वो नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है, क्या कारण से ऐसा होता है? सबसे बड़ा कारण तो है अपराध, वैष्णव अपराध, अपराध अपराध चार प्रकार अपराध तो है, छह प्रकार अपराध, लेकिन ये भजन में जो अनर्थ है ये चार प्रकार अनर्थ है। सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ और भक्तित्व अनर्थ, चार प्रकार अनर्थ है। उसके अंदर अपराध जात अनर्थ जो ये सबसे विघातक है, और जो जो अपराध है अनर्थ है वो तो पार लग जा सकता है, लेकिन ये अपराध जात अनर्थ जो है ये बड़ा विघातक होता है साधक के लिए। तो पूर्व जन्म के सुकृति जात अनर्थ, पूर्व जन्म में हमने बहुत दान पुण्य किया है, बहुत मंगल अनुष्ठान किए हैं, लेकिन सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य करना ही अनर्थ नहीं है, ये विघातक नहीं है। दान पुण्य जो है ना, इसका चार प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण। कोई भी मंगल अनुष्ठान करते हैं अपने के भावना के अनुसार उसका फल मिलता है, ये जान लेना चाहिए। मंगल कर्म करना माने ये बाधा नहीं, ये अनर्थ पैदा नहीं होता है। सुकृति जात अनर्थ माने हम सुकृति किए हैं, उस कारण से हमारे जीवन में अनर्थ आ रहा है। तो शब्द से ऐसा लगता है जैसे सुकृति करने से अनर्थ होता है, तो सुकृति करो मत। सुकृति किसको कहते हैं? सुकृति कहते हैं जैसे दान पुण्य करना, गरीब दुखियों का सेवा करना, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, समाज मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ मंगलमूलक अनुष्ठान करना, यह है सुकृति जातो, सुकृति अच्छा है। लेकिन ये सुकृत कर्म जो है ये चार प्रकार है, एक है सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक, निर्गुण, जानना जरूरी है। जैसे दान पुण्य करते हैं हम, भावना के अनुसार उसका फल मिलता है। मान लीजिए हम भंडारा दे रहे हैं, ये भंडारा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन भावना के अनुसार फल अलग अलग मिलता है, बस आपका भावना के अनुसार। जब हम पैसा खर्च करते हैं कि भाई हमने बहुत पाप किया, बहुत जीवन में ना जाने क्या क्या कुकर्म किए हैं, कुछ सुधार होना चाहिए, तो साधु सेवा संत सेवा से हमारे पाप स्खलन हो जाएगा। साधु संत जब प्रसाद पाएंगे तो पाप स्खलन के लिए हमारे उद्देश्य क्या है, पाप स्खलन, अंतकरण पवित्र हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये भावना जो है ये सात्विक भावना, ये भावना का फल है। अधिक अगर मंगलमूलक कर्म करते हैं तो इसका फल है स्वर्ग जाता है, मरने का बाद स्वर्ग में जाता है। तो मंगल चाहा है ना, फल चाहा है कि हमारे लिए अच्छा फल मिलना चाहिए, तो उसके लिए स्वर्ग मिलता है। जब तक उसका सुकृति रहती है तब तक स्वर्ग में जा करके आनंद प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग ऐसे ही शरीरधारी है, स्वर्ग कोई मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत नहीं है, स्वर्ग है इससे सुपरियर क्वालिटी, हमारे जो आनंद के जो व्यापकता है उससे बहुत गुना ज़्यादा है। इस शरीर से भोग उतना होता नहीं है, ज़्यादा भोग करेंगे तो हमारे इंद्रिय धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा, इसका एक सीमित है, इसका धारण करने का शक्ति। ज़्यादा खाओगे तुम्हारे जितना पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, क्रिया की शक्ति, उसके अधिक खाओगे तो अपच हो जाएगा, धीरे धीरे लिवर खराब हो जाएगा, उल्टा पलटा खाओगे तुम्हारा किडनी खराब हो जाएगी, इसको कहना। तो हमारे इंद्रिय वृत्ति जो सीमित है,
वो अतिरिक्त कुछ भोग तुम नहीं कर सकते, हर इंद्रिय सीमित है। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं, स्वर्ग में खूब भोग करो, जब तक तुम्हारी सुकृति है खूब भोग करो। लेकिन वो पीरियड, एक पीरियड है। स्वर्ग में शरीर नष्ट नहीं होता है, वो शरीर ही ऐसे, स्वर्ग दैव शरीर मिलता है उसको, शरीर अलग अलग भोग के लिए अलग अलग शरीर मिलता है। जैसे दैव शरीर स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए दैव शरीर मिलता है, वहाँ खूब भोग सुख करते हैं, मनुष्य शरीर है, फिर पाप करने से प्रेत जनी मिलता है, प्रेत शरीर है, फिर नरक जाता है, नरकीय शरीर है, अलग अलग शरीर है, नरकीय शरीर है, वो शरीर ऐसा है कितना भी जलाओ तपाओ काटो वो मरता नहीं है, वो कष्ट को भोग करेगा, मरेगा नहीं। हमारे जैसे ज्यादा कष्ट देखे तो मर जाता है, है ना, शरीर धारण नहीं कर पाता है, मर जाता है। लेकिन नरकीय शरीर ऐसा नहीं, नरक में कितना भी उसको जलाओ उसको तपाओ उसको काटो मरेगा नहीं, नरक उसका अलग शरीर देता है उसको कष्ट भोगने के लिए। स्वर्ग में भी ऐसे ही शरीर है, दैव शरीर, जिस शरीर प्राप्त करके स्वर्ग लोग जाने से कितने भी भोगो शरीर नष्ट नहीं होता है। ऐसा अलग अलग भूत प्रेत शरीर है, प्रेत जोनि है, वायुमंडल में घूमता है यार, हाहाकार कष्ट पाता है, हा शरीर नहीं कुछ नहीं, एक वायुवीय शरीर है, भोग करने का स्प्रिया पूरा है, लेकिन ना शरीर है ना जागतिक कोई दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के साथ उसका कोई संपर्क है, वायुमंडल में घूमता रह जाता है और हाहाकार करता है, वो एक शरीर है प्रेत जनी। ऐसे दैवी शरीर है, दैवी शरीर उसके द्वारा भोग करते हैं, जब तक पुण्य रहता है तब तक छिमे पुण्य मत्त लोकं विशन्ति एवं तई धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम कामा लभन्ते, छिमे पुण्य मत्त लोकं विशन्ति, जब चूर्ण पुण्य क्षय हो जाता है क्षीण हो जाता है, धक्का मार के फेंक देता है उसको जीवात्मा को, फिर आके फिर मत्त लोक में फिर ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा मनुष्य नाना प्रकार शरीर तुरा शिलक जनी में भ्रमण करता है। ज्यादा सुकृति इकट्ठा हो जाता है, जो ये मनुष्य शरीर के द्वारा भोग करना संभव नहीं है, ज्यादा सुकृति है तो उसको देवलोक में उसको चांस दिया जाता है भोगने के लिए। अगर मनुष्य शरीर में अल्प पुण्य कर्म किया है, ज्यादा पुण्य मनुष्य शरीर में भोग सुख हो सकता है, तो उसको माने कहीं राजा बना देगा, कहीं कुछ उसको भोग समस्त वस्तु उपकरण मौजूद रहेगा इस शरीर में उसको मिलेगा, अतिरिक्त तो हो जाएगा तो जाओ स्वर्ग जाओ। ऐसे ही पाप करते हैं, अगर अल्प पाप करते हैं इस शरीर के द्वारा भोग हो जाता है तो इस शरीर में भोगा लेते, आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार लैंगड़ा लूला अंधा काना ये सब होकर के जन्म लेता है, मातृ जठर में जन्म लेता है मरता है, मातृ जठर में जन्म वही कष्ट पाता है, मातृ जठर में ही मरता है, अतिरिक्त पाप करने से वो जन्म लेता ही नहीं, वही मातृ जठर का पूरा कष्ट भोगता है, जन्म होने का समय हो जाता है जठर में मर जाता है, ऐसे बार 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 जठर यंत्रणा ये शरीर है। उससे भी अतिरिक्त पाप हो जाता है तो जाओ नरक शरीर, अब ये शरीर में होता नहीं तो उसके लिए नरकीय शरीर मिलेगा, उस शरीर के द्वारा सब नरक अलग अलग कितना प्रकार नरक है उसमें अलग अलग कर्म अनुसार जा करके भोगते हैं, है ना। तो दैव शरीर भी ऐसे ही है, ये कोई अच्छा नहीं है, जो मंगल कमी साधक है, जो भगवत भजन ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति जिनके जीवन के उद्देश्य है, राधा कृष्ण चरण कमल में भक्ति जिनके जीवन के उद्देश्य है, वो सुख भी नहीं चाहती है, स्वर्ग नरक दोनों बराबर देखते हैं उनके लिए। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान जह समय प्रिय, शुभ ये शुभ है और अशुभ दोनों परित्यागी, यह सात्विक मंगलमय कर्म। राजसिक मंगलमय कर्म है दिखाना, लोग दिखाना, लोग देखेंगे जानेंगे हम बड़ा दान करते हैं, हम बड़ा मंगल करते हैं, कर्म करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी बोल के हमारा पोस्टर छपता है, ये समाज सेवी हैं, दो चार कंबल दान करेंगे उसमें भी सब इसको बुलाएंगे, सांवादिक को बुलाएंगे, फोटो खींच करके पेपर में पैसा दे देते हैं, भाई हमारा फोटो छापना
दो कंबल दे करके फोटो खिंचाते हैं। यह है राजसिक दान, इसका फल विशेष कुछ नहीं होता है। और एक तामसिक दान है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् अशति इति उच्यते प्रचुना प्रतनय। अश्रद्धा के साथ दान, यह है तामसिक दान। ये इसमें कोई फल नहीं है, कोई लाभ नहीं है, है ना। तो और जो निर्गुण दान है वो दान क्या है, वो सेवा कैसी है, वो सेवा का फल है भक्ति। जब जो सेवा करते हैं, साधु सेवा कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, उनका भावना कैसी है, जो ये शरीर ये तो नश्वर है, हम करने वाले कौन होते हैं, कोई वस्तु भी हमारा नहीं, करने वाले भी हम नहीं हैं, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। ये जो सेवामूलक कर्म ये प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, हम धन्य है प्रभु हमारे इस शरीर के द्वारा, ये पंचभौतिक शरीर के द्वारा, इसके द्वारा प्रभु अपने कर्म करा रहे हैं। तो इसका फल क्या है ना, प्रभु तुम्हारी प्रसन्नता। हम सेवा क्यों करते हैं, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे भक्त प्रसन्न हो जाए, बस हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे जो भगवत प्रीति के लिए जो मंगलमय कर्म अनुष्ठित होता है वो है भक्ति, उसका फल है भक्ति। ऐसा उसका फल है भक्ति। इसलिए जो मंगल कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भावना के अनुसार उसका फल मिलता है, ऐसा भावना। तो अनर्थ चार प्रकार, सुकृति जात अनर्थ। पूर्व जन्म में तुमने कुछ अच्छा फल कामना लेकर के तुमने सुकृति किया है, दान पुण्य किया है, इस जन्म में साधु संघ के कारण तुम्हारे मन में आया कि भाई हम किसी को कुछ लेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे, लेकिन वो तो होगा नहीं, तुम्हारी सुकृति, तुमने पुण्य किया, उसका फल तो तुमको मिलना चाहिए। इस जन्म में दान पुण्य भेंट प्रणमी बाबा ए लो सेवा, बाबा सेवा बताओ, सबको क्यों नहीं बोलता है, साधु तो बहुत है, सबके पास क्यों नहीं जाता है, बाबा सेवा बताओ, लेंगे नहीं, नहीं नहीं हम लेते नहीं, छूते नहीं, ना ना बाबा ले हो, ये लेना पड़ेगा, अब जिसको मन चाहे दे देना, ऐसा है। यह सुकृति जातो अनर्थ, उसमें क्या होता है, वो बाधा आती है, संरक्षण के लिए चिंता, दान के लिए चिंता, पत्र किसको देंगे उसके लिए चिंता, देकर के भी चिंता, तो इसमें क्या होता है, साधक के लिए बाधा ही होती है, ये अनर्थ है, इसको कहते हैं सुकृति जातो अनर्थ। पूर्व जन्म का सुकृति इस जन्म में अनर्थ बन के आ रहा है, ये सुकृति जातो अनर्थ, दान पुण्य नाना प्रकार मान प्रतिष्ठा ये सब सुकृति जातो, पूर्व जन्म में तुमने कुछ सुकृति किया है, उसका फलस्वरूप इस जन्म में तुमको मिल रहा है, लेकिन ये कोई मंगलकारी नहीं है। ये कोई कहते हैं वाह बाबा का बहुत भजन का प्रताप है, ये भजन का प्रताप नहीं, ये माया का प्रताप है, ये भजन का प्रताप नहीं, ये माया का प्रताप है, माया है। भजन का प्रताप विषय, भजन का प्रताप विषय, भजन का प्रताप है तो एकांत में छोटा, सब अपमान करेंगे, सब अनादर करेंगे, एकांत में जाएंगे विरक्त होकर के, चारों ओर से वंचित होकर के भगवत चरण में एकांतिक शरणागति लेकर के, बस अश्रुकंप पुलक भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता, ये है भगवत कृपा। भगवत कृपा का फल विषय है, भगवान बाबा का भजन का बड़ा प्रताप है, ये प्रताप है, प्रताप का फल माया है ना, ये सुकृति जातो अनर्थो। बोलो, मान लीजिए चारों तरफ से, आपने अभी अपने वाणी से कहा कि चारों तरफ से जब छोटा मिलता है, वंचना मिलता है, तब समझना ये कृपा हो रहा है। मान लीजिए आपने एक सत्संग में कहा था अनुकूलतम हुई कृपा और प्रतिकूलतम हुई कृपा, तो जिसके ऊपर वो छोटा नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उसे वो समझ लेना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रहा है, छोटा पड़ना चाहिए क्या? जो बालक माता पिता का आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार बहुत सुशील है,
कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं, जैसे चाहते ऐसे ही बालक बच्चा ऐसे ही आचरण करते हैं। और कोई बालक है बड़ा दुष्ट, पढ़ने के लिए बोलते हैं बैठ जा पढ़, पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल जा, स्कूल जाना नहीं चाहता है, सब विरोधिता मूलक, दुष्ट बच्चों के संग में रह करके दुष्टता करना, तो ऐसा बालक को छोटा पड़ता है, शासन के लिए उसको संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए उसके उसको संयोग शासन करने के लिए उसको तारण के द्वारा उसको शोधन करने के लिए शासन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो वंचना तारण यही कृपा है, जो चल रहे हैं ठीक मार्ग पर तो उसको तारण करने का क्या जरूरत है। हम जैसे साधक जो मानते नहीं है, विषय में रम जाते हैं, भोग्य पदार्थ पाने से उसमें खुशी मनाते हैं, बहिर्मुख विषय में ज्यादा आसक्ति, मान प्रतिष्ठा देख करके उसी में लिप्त हो जाते हैं, उसी में ही हम बहुत अपनों का कृतार्थ मानते हैं, हमको जैसे बहुत कुछ मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में छोटा, ऐसे स्थिति में छोटा पड़ना चाहिए, तो साधक फिर धीरे धीरे संयमित हो जाता है ना। और छोटा नहीं पड़ने से धीरे धीरे उसके जो प्रवृत्ति है भगवत भजन से हट करके माया की ओर फिर लगना शुरू हो जाता है, वो जान नहीं पाता है जो हम भजन से हट रहे हैं, वो जानते हैं नाम को बहुत कुछ मिल रहा है, मान प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत माला पहना रहे हैं, खूब दान भेंट प्रणामी, खूब आदर सत्कार हो रहा है, वो समझते हम प्रभु के बहुत प्रियजन है इसीलिए हमको ऐसी मिल रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये अनर्थ का कारण बन जाता है। इसीलिए जिसके प्रति कृपा करते हैं भगवान उसको छोटा मारते हैं, कृपा माने छोटा। प्रतिकूल परिस्थितियों से साधक कभी कभी बहुत भय पाने के कारण घबरा भी जाता है, तो क्या भगवान उन्हें उस जो साधक कमजोर प्रवृत्ति के हैं उनको देखते हुए भी भगवान उस सजा को देते हैं? देखो भगवान किसको सजा देंगे किसको क्या करेंगे हमसे ज्यादा भगवान जानते हैं, अब उनका विचार हम तो नहीं कर सकते, भगवान किसको सजा देंगे, किसको अनुग्रह करेंगे, किसको निग्रह करेंगे, ये प्रभु की इच्छा। लेकिन हम देखते हैं जो प्रतिकूल, एक तो अनुकूलतामयी कृपा, एक है प्रतिकूलतामयी कृपा, कृपा का दो रूप है, अनुकूलतामयी कृपा है ठीक है कोई बाधा नहीं विपत्ति नहीं सब शांत है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, हम एकांत में रह करके खूब भजन कर रहे हैं, शांत परिवेश है, कोई विक्षेप नहीं कुछ नहीं, यह है अनुकूलतामयी कृपा ना, हमको हमारे पति प्रभु बहुत प्रसन्न है। लेकिन ये अनुकूलतामयी कृपा जो है इससे साधक का धीरे 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 घमंड आ जाता है, जैसे हम बहुत कृपा प्राप्त की है प्रभु की, हमारे पति प्रभु का बहुत कृपा है, हम प्रभु के बहुत नजदीक है, प्रभु हमको बहुत प्रिय है प्रभु के, इसलिए हमको देखो कैसे रखे हैं। और प्रतिकूलता में कृपा है छोटा वास्ता है, नाना प्रकार प्रताड़ना, नाना प्रकार गाली गलौज अपमान लांछना गंजना अशांति, घर में कोई पसंद नहीं करता है, ऐसे स्थिति में क्या होता है साधक के भीतर एक बैराग आता है, ये संसार इतना दुखदायी है, हे प्रभु अगर इससे हम मुक्त हो जाए ना तो फिर कभी संसार की तरफ झाकेंगे नहीं, हम तुम्हारे खूब भजन करेंगे, फिर कभी ऐसा मौका आ गया तो कभी उसको दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो उसको मोहित कर नहीं सकता है, क्यों वो ठोकर करके आया है ना, ठोकर के कारण वो जानते ये सब माया है बाबा हम देख के आए हैं, तो क्या होता है वो जो प्रतिकूल परिस्थिति उसका रिजल्ट क्या है, एक समय जाकर के खूब भजन करता है। तुलसीदास जी कैसे प्रतिकूल जन्म से लेकर के उनके जीवन चरित आप अध्ययन करना, तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं जो है ना, इतना प्रतिकूल परिस्थिति जहां जाते हैं उतना ठोकर ठोकर,
घर कोई उसको पसंद नहीं करता, सब जानते हैं जी एक अमंगल के एक रूप है, किसका जिस दर में जाता है अरे ये आ गया भगा इसको, ये घर में घुसने से कोई अमंगल हो जाएगा, सबका धारणा ही ऐसे ऐसे। इतना ठोकर खा के इतना दुखी हो गया, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। फिर शादी कर लिया, अब देखो दुनिया में हर जगह जहां ठोकर खाता है ना, एक जगह अगर कहीं उसको प्रेम मिल जाता है ना, तो वो समस्त अंतकरण को वो वहीं समर्पण करके वो शांत होना चाहता है। जो एक जन तो हमको प्रेमी जन मिल गया है तो इतना प्रेम करता है। ऐसे ही हुआ, पत्नी ऐसी सुंदरी, इतना सुंदरी, वो शादी हो गया, दुनिया ठोकर का क्या है ना, तो जी जान दे करके प्रेम करने लगे। और इतना प्रेम, एक घंटा उसको छोड़ के रह नहीं सकते तुलसीदास जी, एक घंटा कहीं जाते नहीं, मन लगता नहीं, भक्त आता है पत्नी को देखे भी ना रह नहीं सकता है, ऐसे ऐसे स्थिति। एक बार क्या हुआ, कहीं गए हैं तुलसीदास जी, इतने में घर नजदीक दो एक गांव छोड़ करके उनका घर है, पत्नी की घर, तो वहां से खबर आया बहुत जरूरी काम से उनको लेने के लिए आए, तो पति नहीं है, वो किसी को बोल के गए, मैं तो जा रही हूँ, पति को बोल देना मैं दो एक दिन में आ जाऊंगी, यहाँ थोड़ा घर में थोड़ा अशांति है, कुछ हो गया, हमको लेने के लिए मैं जा रही हूँ। पत्नी चली गई, दो घंटे पीछे आके देखते हैं पत्नी गई, बस जैसे वज्र गिर गया माथे पे, वज्र गिर गया। अरे पत्नी को देखे भी नाम कैसे रहेंगे, पत्नी को देखे भी नाम कैसे रहेंगे, ये तो जीवन एक घंटा देखे भी नाम कैसे रहेंगे, अब दो दिन पीछे आएगी क्या करें, नहीं अभी चलो, पूरा चल दिए, आंधी तूफान एकदम चलते 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 चलते, कहीं गिर रहा है कहीं ये हो रहा है, जा करके रात को पहुंचे, दर्जा ठक ठक रहे हैं, खूब आंधी तूफान, सब अपने जो घर के कुटुंब है सब दर्जा खोल के दिखते हैं, ये जामाई आ गए हैं, ऐसे कौआ जैसे भीज करके आता है, ऐसे भीज करके बाहर में ऐसे ठड़े हैं, तो उतने जो साली अली है ना उनके पति के बहन आदि भाई सब मजाक करना शुरू कर दिया, उसको भी बहुत इंसल्ट करना शुरू किया, तुम्हारे पति ऐसे स्त्रीण है देखो ना कैसी है, अभी एक दिन रहा नहीं गया, तो बहुत लज्जित होकर के बहुत कटु शब्द कह दिया, तो ये पंचभौतिक शरीर के लिए तुम्हारे इतने मोह, जाओ ये मोह या थोड़ा सा भी ऐसे प्रेम राम जी के चरण में होता ना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता, ये पंचभौतिक शरीर के लिए तुम्हारे इतने मोह, जाओ तुम। अरे इतना कष्ट करके आए और ऐसे ठोकर, दर्जा बंद कर दिया, और उधर आधी तूफान उसमें, अरे ये संसार का प्रेम, इस प्रेम के लिए हम मरते हैं, देखो प्रतिकूलता में ही कृपा, प्रतिकूलता में ही कृपा, इस प्रेम के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करके ये प्रेम प्राप्ति का आशा लेकर के हम मर रहे हैं, ये प्रेम का नतीजा, बस एकदम पूरा बदल गया, अभी चलो दुनिया से, आर कभी हम ये दुनिया से हम मुंह नहीं लगाएंगे, कभी दुनिया का प्रेम हम कभी चाहेंगे नहीं, प्रेम करेंगे तो राम जी से, उसी अवस्था में चले गए, बस वही तुलसीदास जी, फिर देखो ऐसे है ना, यह है प्रतिकूलतामयी कृपा, प्रतिकूलतामयी कृपा समझ में आता नहीं है, उसका रिजल्ट पीछे आता है, ऐसा ठोकर नहीं पड़ता तो जाकर उतना बड़ा संत ना मुश्किल था, है ना। इसलिए कृपा दो प्रकार, एक प्रतिकूलतामयी एक अनुकूलतामयी, प्रतिकूलतामयी कृपा अच्छा है, कष्ट होता है लेकिन उसका रिजल्ट वैराग आता है मन में, वैराग, नहीं 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 दुनिया से, दुनिया की तरफ झांको मत, देखो मत, ये धोखाबाज है, यहाँ प्रेम नामक कोई पदार्थ है नहीं, यहाँ कोई अपना है नहीं, ना था ना है ना होगा ना हो सकता है, एकमात्र प्रेमास्पद, एकमात्र हमारे प्रेमी तो एकमात्र गोविंद ही हमारे प्रेमी जन है, जान करके दुनिया से प्रेम करते नहीं है, और ठोकर नहीं खाने से दुनिया से बस लूट लेते हैं, उनका मन को लूट लेते हैं, स्वभाव है, कहीं थोड़ा प्रेम मिलता है
प्रीति मिलती है, बस वहां जाके वो फंस जाता है, है ना। इसलिए प्रतिकूलता में कृपा जो है ये बहुत अच्छा है, कष्ट होता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हम जो साधु हुए हैं हमारे भी ये प्रतिकूलता में कृपा है। हमारे वंश में कोई साधु नहीं हुआ, हम क्यों हुए? जन्म से इतना ठोकर खाया हमने, बेहद ठोकर खाया है ना, ये हम आपके जीवन में दिखते हैं। लेकिन उसका फल क्या है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है अभी संसार के प्रति हमारे राजनी के दया से ये कृपा तो हम अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रतिकूलता में कृपा उत्तम है, कभी दुख आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार वृद्ध कोई प्रकार तुम्हारे प्रतिकूल परिस्थिति, इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि ये स्थिति में प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। हम जानते नहीं, बच्चा को जब मैया ने कोरुआ दवाई पिलाते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता है, सोचता मैया हमको देखो मुंह में क्या दे रहा है, बहुत नाराज हो जाता है बच्चा का, किंतु वो दवाई नहीं पिलाने से उसका बीमार ठीक नहीं होगा, जरूरी है, लेकिन बच्चा तो समझ नहीं पाता है, बहुत नाराज हो जाता है। हमने चंद्र सरोवर रहते थे, एक बच्चा था बगल में छोटा सा, एक बच्ची एक लाली हमारे पास आती थी, हम बहुत प्यार करते थे, 2-2.5 साल है उम्र, बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसका आंख में दुख नहीं हो गया, लाल हो गया, हमारे पास दवाई था, हमने उसको पकड़ के आंख में दवाई डाल दिया, उस दिन से वो झाका भी नहीं हमारे तरफ, कभी बुलाया तो फिर आना बंद एकदम, फिर हमारे पास कभी आए ही नहीं, उस दिन से भय पा गया इतना, है ना। तो ऐसा है, कभी कभी बहिर्मुख जीव समझ नहीं पाते हैं प्रभु की कृपा, सोचते हैं प्रभु ये हमको बहुत निग्रह कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, भगवान किसी को निग्रह नहीं करते हैं, सभी उनका है ना। तो प्रतिकूलता, ये प्रतिकूलता बहुत अच्छा है, अनुकूल परिस्थिति साधक के लिए कभी कभी बाधक हो जाता है, उसका मन को मोह लेता है, घर में सुख शांति हर प्रकार भोग्य पदार्थ मौजूद है, घर में संप्रीति अपने प्रियजन के प्यार, इसमें मन मोह लेता है, अच्छा लगने लगता है, भगवत चरण से मन हट जाता है, भजन तो करते हैं लेकिन वो घर के तरह भी उनके मन रहता है, घर में अपने प्रियजन पे ऐसे रहता है, तो कभी कभी प्रभु कृपा करके उसके ऐसे ठोकर मारते हैं। प्रभु जानते हैं किसको ठोकर मारेंगे, किसको किस तरह से शोधन करना है प्रभु जानते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति को समझते हैं ये हमारे प्रति प्रभु का निग्रह है, भगवान हमको निग्रह कर रहे हैं, हमारे प्रति कोई करुणा नहीं, हमारे प्रति कोई दया नहीं, ठाकुर जी का कोई दया नहीं है हमारे प्रति, बड़ा निर्दय है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, जो उनके चरण में एक बार उनके शरण में आया है, कभी कोई परिस्थिति में प्रभु उसको परित्याग नहीं करते हैं। कौन थे प्रति जान ही नमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, है ना। तो अनुकूलता में कृपा और प्रतिकूलता में कृपा, हाँ। तो पहले सुकृति जाता अनर्थ हो ये बाधक है, फिर दुष्कृति जाता अनर्थ हो, पूरे जन्म में दुष्कृति किया है, बहुत पाप कर्म किया है, उसका फलस्वरूप आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्र्य, भजन करते हैं नाना घर में अशांति कलह, भजन करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ है मौजूद है, लेकिन ऐसे कला अशांति चित्त को विक्षेप कर देता है, चंचल कर देता है, भजन में मन लगता नहीं है, तो ये है दुष्कृति जातो अनर्थ। तो भजन के द्वारा धीरे 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 प्रभु की कृपा से ये अनर्थ हट जाता है, थोड़ा धैर्य धारण करके ये प्रतिकूल परिस्थिति को प्रभु की कृपा जान करके सहन करना चाहिए। फिर अपराधत्व अनर्थ तो बताए, अपराध
संत के चरण में अपराध होने से वो तो भजन पूरा समाप्त तो कर सकता है। संत अपराध अपराधत्व अनर्थ, ये बड़ा खतरनाक है। अपराधत्व अनर्थ का लक्षण क्या है? भजन करने का प्रवृत्ति हट जाता है। पहले भजन करने में मन लगता था, अभी मन लगता नहीं है। पहले विषय वस्तु से हमारा मन दूर रहता था, अभी अच्छा लगता है। ये सब दुर्लक्षण, ये समझना अपराध ही कारण है। वैष्णव अपराध भी बाधा है और दुष्कृति जाता अनर्थ भी बाधा है। दोनों देखने में एक ही सा लगता है लेकिन एक नहीं है। दुष्कृति जाता अनर्थ में भजन होता नहीं है लेकिन व्याकुलता बहुत होती है। हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारा भजन नहीं हो रहा, हम भजन करेंगे, हम भजन करेंगे, भजन के लिए हम क्या करेंगे? अब घर छोड़ें, घर छोड़ के चले जाएं कहीं ना, मैं क्या करूं अभी, हे प्रभु हमको बच। ऐसे व्याकुलता होती है, यह दुष्कृति जाता अनर्थ उसके कारण। और अपराध जाता अनर्थ जो है उसका लक्षण क्या है? भजन करने का प्रवृत्ति हट जाती है। क्या भजन करेंगे, चलो खा रहे हैं, पी रहे हैं, निश्चिंत तो आनंद है, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं। हमारे मानव जीवन का सवाल है, बीते जा रहा है समय, कोई उत्कंठा नहीं, कोई चिंता भी नहीं। निर्लज बेशरम होकर के हम घूम रहे हैं, साधु वेश धारण करके दिखा रहे हैं हम साधु हैं, लेकिन आचरण क्या है? जैसे निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, हम जैसे सबसे ऊपर उठ गए हैं, हमको सब कुछ मिल गया है, ऐसे। यह है अपराधत्व अनर्थ है। फिर और एक अनर्थ है भोक्तित्व अनर्थ। साधक जब आगे पहुंच जाते हैं, बहुत आगे, आप प्रभु के कृपा कुछ अनुभव कर रहे हैं, अश्रुकंप पुलक होता है, भजन में तीव्रता, तो इसमें प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं, हमको कृपा करो, हमको दया करो बाबा, हमको दीक्षा दे दो, हमको चेला बना लो। ये बाधा है, साधक के लिए क्या लेना देना है? ये बाधा रूप में आता है, ये बाधा है, यह है भोक्तित्व अनर्थ। वो भोक्ति है, ठीक है, लेकिन उसके रिजल्ट क्या होता है? कभी कभी वो अनर्थ रूप में आकर के साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। और कभी कभी हम जैसे साधक उस परिस्थिति में उसमें प्रभावित होकर के दया आ जाती है, ओहो तो भजन ही करेगा, अच्छा चलो चेला बना लो, अच्छा चलो चेला बना लो, धीरे 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 चेला बना करके वो फंस जाता है उसी में, बस हो गया भजन चौपट, भजन चौपट, दिखावा भजन, गुरु बन जाते हैं। इसलिए उस स्थिति में जब तक नहीं पहुंचता है साधक, जब सामर्थ्य नहीं होते हैं अपने, सामर्थ्य नहीं, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं 5 किलो ढोने का, तुम अगर 100 किलो ले लोगे तो क्या होगा? गर्दन टूट जाएगा। ऐसे एक जन को अपने को उद्धार करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, तुम 1000 चेला बना रहे हो उद्धार करने के लिए, तो क्या होगा? मरोगे। यह है भक्तित्व अनर्थ। ये 4 प्रकार अनर्थ भजन जीवन में साधक के लिए आता है ना। तो काल आगे चलेंगे इस विषय में और आलोचना करेंगे, कैसे हम लोग, किस कारण से हम लोग पीछे चल रहे हैं, हमारे भजन तरी भजन रूपी नाव आगे नहीं बढ़ रही है, कारण क्या है, इस विषय में फिर आगे चलेंगे कल। जय जय श्री राधे।